भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमोहाम्बोह ग्राहग्रासे। ओम शांति शांति। ओम कहाँ से चलेगा भगवान? 105 हो गया ना। आइए धीरे से। बंधन होता है अज्ञान से, है ना? अज्ञान से होता है। थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे थोड़ा आगे आ जाओ। अज्ञान से बंधन होता है, और ज्ञान से बंधन की निवृत्ति होती है, और ज्ञान होता है विचार से। ज्ञान होता है विचार से। विचार कच्चा हो कि पक्का हो? परिपक्व विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है, और परिपक्व तब होगा आप निरंतर विचार करेंगे तो, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर लिख दिया सर्वदा एव विचार है, ठीक है। विचार क्या है? श्रवण मनन निध्यासन है। जैसे भोजन का फल दृष्ट है, तृप्ति फल है, इसी प्रकार से विचार का जो फल है ज्ञान, साक्षात्कारात्मक ज्ञान है ना, ये भी दृष्ट है। श्रवण आदि जो विचार है इसका फल जो है दृष्ट है कि अदृष्ट है? हाँ, ज्ञान होने से पहले अदृष्ट भी होता है। वेदांत का श्रवण करेंगे तो पुण्य नहीं होगा, है ना? पुण्य भी होता है, वो ज्ञान का सहायक है ना, ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो सहायक है, उत्पत्ति के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा जो पुण्य है वो उत्पन्न होता है, संस्कार उत्पन्न होता है, शास्त्रीय संस्कार होता है कि नहीं? ऐसा कह दिए। आगे चले। ये जो कहा, अच्छा किसका विचार करना चाहिए? विचार का विषय क्या है? जीवात्मा और परमात्मा। इसलिए जीव को भी समझो, परमात्मा को भी समझो। इसलिए आगे विचार करते हैं कि तत्र जीव स्वरूपम। मिला आप लोगों को? 6 नंबर श्लोक देखो। तत्र जीव स्वरूपम तावन निरूपयति, ठीक है। तत्र कहने से क्या है? तयोः मध्य, दोनों में से। दोनों कौन कौन? जीवात्मा और परमात्मा। तत्र काद तयोर मध्य, दोनों में से। पहले जीव को समझो कि जीव कौन है। यहाँ पर जीव का वाचार्थक भी समझो, और जीव के लक्षार्थक भी समझो। लक्षार्थ ज्ञान में वाचार्थक ज्ञान कारण होता है, शक्य संबंध लक्षण है, लेकिन शक्यार्थ क्या है शब्द का, वाच्यार्थ, उसको भी समझना चाहिए। जीव का लक्षार्थ है शुद्ध चेतन, कूटस्थ चेतन, उसको समझने के लिए पहले वाच्यार्थ को समझना होगा। जीव का जो कर्ता भोक्ता है वो होता है जीव, जीव शब्द का वाच्यार्थ होता है, अहम शब्द का वाच्यार्थ होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं देखो, अहमित अभिमन्तायः अहमित्यभिमन्तायः कर्ता सोतस्य साधनम्, कर्ता सोतस्य साधनम्, मनस्तस्य क्रिये अंतर, मनस्तस्य क्रिये अंतर, मनस्तस्य क्रिये अंतर, मनस्तस्य क्रिये अंतर, बहिर्वृत्ति क्रमोत्थिते, बहिर्वृत्ति क्रमोत्थिते,
अहम् इत्यभिमत्तायः कर्ता सोतस्य साधनं मनस्तस्य क्रिये अंतर बहिर्वृत्ति क्रमोत्थिते। देखो श्लोक में चार पद होते हैं। पहला पद कितना है? अहम् इत्यभिमत्तायः, ठीक है। पहला पद में कितने पहला पद में कितने पद है जानते हो? दो। बोलो। दो पद है, दो पद है। बोलो। अहम एक पद हुआ, इति एक पद हुआ, मेरे बोलते समय ना बोलो, डिस्टर्ब होगा। अहम एक पद, इति दूसरा पद, और अहिमंता तीसरा पद, और यह चौथा पद। कितने पद हो गए? चार पद हो गए। तो अहम अस्मत का प्रथमा एक वचन अहम होता है। अहम मैं कहते ना हिंदी में, मैं ऐसा करके जो अहिमान करने वाला, अभिमंता, ठीक है। अहम मतलब मैं, हिंदी में मैं इस प्रकार से अहिमान करने वाला जो, यह ठीक है। अभिमंता कहाँ का है रूप ये शब्द? सुबंत है कि तिगंत है? हाँ सुबंत। अभिमंत्री जैसे कर्तृ का कर्ता, कर्ता कर्तारो कर्तार, अहिमंता अहिमंतारो अहिमंतार, मतलब अहिमान करने वाला, समझ में ना? हाँ तो अहिमान करने वाला जो है वही तो कर्ता होगा, है कि नहीं? सबसे पहला अध्यास होता है अहंकार वृत्ति में होता है। अंतःकरण तो एक ही है, उसमें चार वृत्ति है, जानते हैं ना? मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अहंकार अहम, ये अहंकार आत्मिका जो वृत्ति है, उसके बाद उसके साथ ये आत्मा का अध्यास पहले होता है। अहम इस प्रकार से होता है, बस में। हाँ फिर उसके बाद उसी अंतकरण में संस्कार पैदा होता है। संस्कार तो पहले से है, संस्कार पहले से है, है कि नहीं? इसलिए जो है मैं इसको करूं, क्या मैं इसको करूं, इस कर्म को मैं करूं, समझ में कि नहीं? उसके बाद फिर क्या होगी? कृति चेष्टा होगी। फिर जानाति इच्छति यतति आएगी नहीं समझ में? फिर क्या है? फिर स्थूल शरीर के साथ अध्यास हो रहा है ना? ये अहंकार वृत्ति के साथ होने से अहम, समझ में कि नहीं? और बुद्धि के साथ हो गया तो मैं जानने वाला हूँ, हाँ मैं ठीक ठीक से जानता हूँ, निश्चय है, हाँ पक्का निश्चय है मेरा। जाओगे? हाँ मैं जाऊँगा। ऋषिकेश जाना है? हाँ जाना है। ये किसको लेकर हो रहा है? बुद्धि को लेकर हो रहा है, निश्चय आदमी का वृत्ति हो रही है ना। हाँ स्मरण हो रहा है? हाँ हाँ मुझे हो रहा है, स्मरण हो रहा है। ये चित्त हो गए, समझ में ना? संकल्प विकल्प करते हो मन से, ये मन हो गया। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कहा जाता है, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। फिर उसके साथ, फिर उसके बाद क्या होता है? चक्षुरादि के साथ भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ। किसके साथ अध्यास हो रहा है? चक्षु के साथ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? अब जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, किसके साथ अध्यास हो रहा है? बोलो। अरे भाई पाद इंद्रिय के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? पाद के साथ, पाद है कि नहीं? हो गया ना। इसी प्रकार स्थूल शरीर के साथ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, किसके साथ हो रहा है? स्थूल शरीर के साथ हो रहा है। प्राण के साथ भी होता है, मैं जीवित हूँ,
मैं मर जाऊंगा। किसके साथ हो रहा है? प्राण के साथ हो रहा है। ये सब अध्यास है। तो मूल अध्यास कहाँ पर, कहाँ, किससे, किसके साथ हो रहा है? अहंकारा वृत्ति के साथ हो रहा है कि नहीं? तो अध्यास होने पर कैसा अनुभव होता है? अहम ऐसे होता है। बात समझ में आई? इसलिए अभिमान करने वाला जो है वही होता है कर्ता। अभिमान होगा पहले, उसके बाद कर्तृत्व आएगा, है कि नहीं? बुद्धि में बैठाते रहो। वेदांत को हमेशा अनुभव में बैठाना चाहिए, है ना? और जहाँ पर गलती हो रही है उसको सुधारना चाहिए। वेदांत पढ़ने का ही उपयोग है, समझ करके फिर सुधारने का प्रयोग अभ्यास करना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन तस्य साधनम मन है ना? जो करता है ना, मन के बिना तभी आप कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं? मन के बिना आप कुछ करता नहीं बन सकते। लेकिन तस्य साधनम, जैसे आप काष्ठ का छेदन करना है तो कुठार चाहिए कि नहीं? काष्ठ का छेदन करना है तो कुठार चाहिए। तो कुठार क्या हो गया छेदन क्रिया के प्रति? करण साधन। बात समझ भाई? इसी प्रकार जो कुछ भी करोगे इसमें करण क्या हो गया? यहाँ पर मन हो गया। मन ही इसका क्या है? करण, अंतकरण। यहाँ पर मन से यहाँ पर क्या लेना चाहिए? अंतकरण लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो उससे क्रिया क्या होती है? तो लिखा यहाँ पर तस्य क्रिये। क्रिये में कहाँ क्या विभक्ति है? नहीं, क्रिया शब्द का प्रथमाधिवचन क्रिये, रमा रमे रमाहा, क्रिया क्रिये क्रियाहा। दो क्रिया है मन में, कितने क्रिया है? अनंत क्रिया होने पर उसको दो भाग कर लो, दो ही क्रिया है। एक है अंदर, एक है बाहर। क्या? एक है अंदर और एक है बाहर। अंदर क्या है? काम, क्रोध, सुख, दुख, इच्छा, श्रद्धा, अश्रद्धा, ये सब किसका है? मन, मन कहता है तो अंदर ही। आभ्यंतर क्रिया है, इसलिए अंतर क्रिया है ना? पहले अंतर क्रिया होगी, उसके बाद बाहर क्रिया होगी कि नहीं? काम, कामना पहले होगी अंदर, फिर इसके बाद लड्डू खाने की इच्छा बाद में होगी। लड्डू का लड्डूकार वृत्ति, मोदक का कार वृत्ति। तब मोदक का कार वृत्ति है मतलब इच्छा का विषय। इच्छा का विषय अंदर है कि बाहर है? इच्छा अंदर है लेकिन इच्छा का विषय बाहर है। तो बाहर को विषय कहना है ना? मोदक आदि जो विषय है उसको विषय किया मन, है ना? तो घटाकार, पटाकार, रूपाकार जो वृत्ति होगी ये बाह्य को विषय किया ना, इसलिए कहते हैं बहिर्वृत्ति, अंतर्वृत्ति, बहिर्वृत्ति। ये जो वृत्ति है अंतकरण में जो परिणाम विशेष है इसको यहाँ पर कह रहे हैं क्रिया। ये क्रिया किसकी है? मन की है कि आत्मा की है? मन की है। मन की है। ये सब वृत्तियाँ तो मन की होती है, आत्मा के नहीं है। लेकिन उसके साथ अध्यास किया है अंतकरण के साथ, इसलिए क्रिया मेरी है। अहम करोमि, अहम इच्छामि, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हाँ मैं संकल्प कर रहा हूँ, ये सब व्यवहार होता है, ठीक है? क्रम उत्थिते, क्रम से वृत्ति होती है। पहले आभ्यंतर वृत्ति, अंतर वृत्ति पहले होगी, उसके बाद बाहर की वृत्ति होगी। समझ में कि नहीं? पहले अंदर की वृत्ति को समझ लोगे तो बाहर की वृत्ति को भी समझ लोगे। समझ में कि नहीं? एक काम आदि ये सुख दुख आदि किसका हो रहा है? मन का हो रहा है, मन का धर्म है। और रूपाकार रसाकार जो वृत्ति है ये भी मन का, ये भी समझ लोगे, है ना? इसलिए अंतर्वृत्ति जब मेरी नहीं है तो बाह्य वृत्ति मेरी कैसे होगी? बात समझ में कि नहीं? है कि नहीं? बाह्य वृत्ति का मूल क्या है? अंतर्वृत्ति। समझ में? एक क्रम से क्रम उत्थिते, क्रिया में ए और अंतर का अ संधि होनी चाहिए। जी, क्या संधि होनी चाहिए? एचो जवा या वह संधि नहीं हुई
संधि क्यों नहीं है? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। कौन है प्लुत? कौन है यहाँ पर? हाँ ठीक है, इदुदे द्विवचनम प्रक्रिया से प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। कौन प्रक्रिया यहाँ पर जानते हो? क्रिय का ए, ये हो गए प्रक्रिया संज्ञा। ठीक है, इसलिए औच आगे है, अंतर का ये संधि नहीं हुई। अच्छा, श्लोक का भावार्थ देखो। ठीक है, मैं यस चिदाभास विशिष्टो अहंकार, ये देखो भाई कहते हैं अहम से क्या लेना चाहिए यहाँ पर? अहंकार को लेना चाहिए, अहंकारा वृत्ति अंतकरण की। ठीक है, तो वो जड़ है कि चेतन है? जड़ है, तो जड़ में तो कर्तृत्व तो होगा नहीं, जड़ क्या करेगी? वो जड़ वस्तु कुछ कर नहीं सकती। अंतकरण जड़ होने से अंतकरण की जो वृत्ति है अहम, इस प्रकार से जो वृत्ति है वो भी जड़ है, उसमें कर्तृत्व तो कैसे होगा? बोले शुद्ध चेतन में हो जाएगा, शुद्ध चेतन में तो शुद्ध चेतन में भी नहीं हो सकता है, उसका संबंध नहीं है। तो फिर असंगो ही अयम पुरुष बोलता है, अथवा ओ और वो निरवय भी है, कोई सावयव तो है ही नहीं, उसमें यदि क्रिया हो जाएगी तो अनित्य हो जाएगा, वो विकारी हो जाएगा। वो कौन? शुद्ध चेतन। समझ में कि नहीं? ये ना शुद्ध चेतन में होगा है, ना जड़ में होगा। तो कहाँ पर होगा? चिदाभास विशिष्ट अहंकार में होगा। ऐसा समझ में ना, कि चिदाभास का संबंध होने से वो जड़ होने पर भी चेतन की तरह लगता है, ये यहाँ पर लिखते सिद्धांत है। चिदाभास विशिष्ट अहंकार मतलब चिदाभास जहाँ पर है, जिस अहंकार में, उसको क्या बोलते हैं? चिदाभास विशिष्ट अहंकार। कितनी खिचड़ी हो गई यहाँ पर बताओ, है ना? ठीक है ना, इसलिए जो खिचड़ी बनाए हो ना, कब से बनाए हो? अनादि काल से खिचड़ी बन गई अहंकार हो, है कि नहीं? इसी को ग्रंथि कहा गया, और क्या है? जड़ चेतन की ग्रंथि यही है। तो व्यवहार दशायाम, व्यवहार दशा में यही अभिमान होता है देहादो। व्यवहार दशा मतलब क्या? अध्यास, जिससे में अध्यास होता है कि नहीं? तो व्यवहार दशायाम देहादो अहमिति अहिमन्यते, यह व्यवहार दशा में शरीर आदि में जो अहम ऐसे होता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, बात समझ में कि नहीं? तो ये जो अभिमान करता है अभिमन्यते, जो यह अभिमन्यते असौ करता, वो हो गया करता। अभिमान कौन करता है? हाँ आप बताओ, जो पूछ रहा हूँ वो बताना। तो अंतकरण की वृत्ति अभिमान करता है कि शुद्ध चेतन अभिमान करता है? तो कौन अभिमान करता है? अंतकरण वृत्ति बताओ। अहिमान कौन करने वाला है? शुद्ध चेतन है कि अहंकार वृत्ति है, ये कौन है? चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, ये देखो सामने लिखा है, चिदाभास विशिष्ट जो अहंकार है वो है अहिमान करने वाला है, उसी को कर्ता कहा जाएगा। वही क्या है? कर्ता। आया पकड़ में कि नहीं आया? ऐसा है, आगे लिखे देखो। कर्ता मतलब क्या है? जहाँ पर कर्तृत्व धर्म है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब धर्म ले लो, कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टो जीव इत्यादि, इसी का नाम होता है जीव। इसी का नाम क्या है? जीव। समझ में आया अभी? ये व्यवहार दशा में इसी को जीव कहा जाता है कि नहीं? तो ज्ञानी में जीव भाव है कि नहीं? ज्ञानी में जीव भाव तो है, लेकिन ये बाधित है। ये क्या है? इसको समझता है, यही जीव है, यही समझता है। समझ लिया तो उसमें जीव भाव नहीं रहेगा, वो बाधित हो जाएगा कि नहीं? प्लास्टिक में सर्प को समझ लिया तो सर्पत्व का बाध नहीं हो जाएगा, लेकिन सर्प की तरह दिखेगा जरूर,
लेकिन उसमें सर्पत्व का बाद हो गया, समझ में कि नहीं आया समझ में? इसी पे अगर जगत को परमात्मा ने बनाया, क्या कह रहे हो? जगत को परमात्मा ने बनाया कि नहीं बनाया? क्या कह रहे हो? बनाया ना, ये तो वायुवाणी बताना जानते। तो जगत का कर्तृत्व है परमात्मा में कि नहीं है? लेकिन कर्तृत्व का ज्ञान है उसको, क्या? हाँ, माया विशिष्ट जो ईश्वर है, हाँ, वो तो विशिष्ट हो गया ना, कर्तृत्व उसमें है, मेरे स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है, ऐसा जान लिया तो कर्तृत्व का बाद हो गया। उनको ज्ञान है परमात्मा को, क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान है। इस बार ज्ञानी को भी ज्ञान हो गया, कर्तृत्व तो किसका है? विशिष्ट का होता है, है कि नहीं समझ में? अच्छा, इतना अंतर है। जगत को ईश्वर ने बनाया, बना तो है, ज्ञान किसका है? जीव का है। क्या चीज़? क्या चीज़? कर्तृत्व का ज्ञान जो परमात्मा को है, तो फिर तो कर्ता हो जाएगा, किसे हो जाएगा? कर्तृत्व है में, कर्तृत्व का ज्ञान। हाँ, तो उनका कर्ता कहना है, कर्तृत्व है किस में? विशिष्ट में है ना, ईश्वर में। विशिष्ट वही तो ईश्वर हुआ, है कि नहीं? अपने स्वरूप में नहीं है, अधिष्ठान में नहीं है कर्तृत्व, अपने को अधिष्ठान समझता हो, बात समझे कि नहीं? इसी प्रकार ज्ञान ही समझता है, इसलिए वो परमात्मा का स्वरूप वो भी असंग है, और ज्ञानी का स्वरूप वो भी क्या है? असंग है। असंगता दोनों में है, असंगता दोनों, बात समझ में कि नहीं है? चलो ये जरा समझ के रख लो, कर्तृत्व आदि धर्म विशिष्ट, विशिष्ट में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, ना केवल शुद्ध चेतन में होता है, ना केवल जड़ में होता है, इसलिए विशिष्ट जो होता है, मतलब चिदाभास में कह लो, ये क्या बोल दिया, वृत्ति विशिष्ट चिदाभास में कह लो, अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति में कह लो। वृत्ति नहीं समझ में आता तो मन समझ लो, चिदाभास विशिष्ट मन कह लो, मन विशिष्ट चिदाभास में कह लो, एक ही चीज़ हो गया, क्योंकि मन के बिना चिदाभास नहीं होगा, और चिदाभास के बिना भी मन नहीं होगा, विशिष्ट हो गया ना, है ना? ये जरा ये सिद्धांत है। तस्य किम कारणम करणम, देखो कोई करण के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते, कोई करण के बिना, चक्षु के बिना आप देखोगे? बाह्य को, अंदर को नहीं बोल रहा हूँ, अपने स्वरूप को जानने के लिए कि करण की आवश्यकता नहीं, आत्मा को जानने के लिए कि करण की आवश्यकता नहीं, अनात्मा को जानने के लिए करण की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है। अंदर हुआ है ना, मतलब अपने स्वरूप, अपने स्वरूप को जानने के लिए किसी करण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाह्य को जानने के लिए आवश्यकता है, अनात्मा को जानने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, है कि नहीं? तस्य कहने से कस्य, कर्तुहु, जो करता है उसमें तो क्रिया रहेगी ना, क्रिया होगी उसके द्वारा, है, लेकिन करण के बिना क्रिया नहीं होगी, करण के बिना, साधन के बिना क्रिया कहीं नहीं हो सकती, ना जीव में होगी ना परमात्मा में होगी, बिना उपाधि से, बिना साधन से क्रिया कहीं भी नहीं होगी, चाहे ईश्वर हो चाहे जीव हो, जो भी कर्ता होता है उसका कोई ना कोई करण होता है कि नहीं? ऐसा समझ में ना, इटे इसलिए यत्र यत्र कर्तृत्व तत्र तत्र क्या है, साधनात्व, साधनकत्व, साधन वहाँ पर जरूर रहेगा, साधन वाला जरूर होगा, तो आपका साधन क्या है? मन, आपका साधन है मन है, देखो लिख दिया, तस्य क्रिये तस्य कर्णम तस्य साधनम मन है, कस्य जीवस्य, जीव जो करता है उसका कर्ण हो गया कौन? मन, ये मन ही है और क्या है? चाहे जो है कोई भी करो, चाहे कर्म उपासना करो, चाहे वेदांत का विचार करो, बस मन ही है, चाहे बंधन के लिए प्रयास करो, चाहे मुक्ति के लिए प्रयास करो, सबका साधन तो
मन है, कहते कि नहीं? क्या है मंत्र? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयाशक्तम मुक्ति च मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। मन जब निर्विषय हो जाएगा, वासना से रहित हो जाएगा मन, तो मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ऐसा समझ लो। अच्छा आगे चलो। कामादि वृत्तिमान अंतःकरण भागो मन, ऐसे वो लिख दिया है ना। कामादि जो वृत्तियाँ होती है, काम सुख सुख दुख इच्छा, ये सब ले लो, है कि नहीं? श्रद्धा अश्रद्धा, है कि नहीं? ये सब ले लो। ये वृत्ति, वृत्तिमान कौन हो गया? अंतकरण जो भाग है वही हो गया मन। कर्णस्य क्रिया व्याप्तत्व, ये देखो जहाँ कहीं भी क्रिया होगी जीव में, जीव को लेकर, तो उसमें कर्ण कौन होगा? मन होगा। क्रिया कर्ण के बिना तो क्रिया नहीं होगी ना, आया समझ में कि नहीं? ये क्या करे? क्रिया व्याप्तत्व, सभी क्रिया के साथ कारण का संबंध रहता है क्या? हाँ हाँ, बुद्धि में बैठाते रहो। सुख दुख जितने भी होते हैं ना, कुछ भी कर लो, उसे मन तो रहेगा ही रहेगा। क्रिया मन के बिना नहीं हो सकती, सभी क्रिया के साथ मन तो रहा है कि नहीं? ऐसा बोल दिया। और बाह्य क्रिया के लिए भी है, कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहेगा। क्रिया के कारण के बिना क्रिया नहीं होती है, बात समझ में कि नहीं? ऐसा कह दिया। इसलिए यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र कारण व्याप्ति, हाँ संबंध हो गया। व्याप्ति कैसे हो गई? यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र कारण व्याप्ति, कारण का संबंध रहेगा, समझ में नहीं? इसलिए कुछ करना चाहते हो तो कारण चाहिए, सीधा अर्थ हो गया। कुछ करना चाहते, कुछ करना शेष है तो किसकी अपेक्षा होगी? कारण की अपेक्षा। अब कुछ करना ही नहीं रहा शेष, तो कारण की क्या आवश्यकता है? ये सब कारण तो है, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म से ये सब कारण तो है, ये कब तक चाहिए आपको? यदि करना यदि शेष है तो, अब करना शेष नहीं रहा तो कृतकृत्य हो गया तो कौन है? स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर, किसी की भी जरूरत नहीं रही। इसलिए जो ज्ञानी कृतकृत्य हो गए ना, करना शेष रहा नहीं है ना, तो उनको करण की आवश्यकता नहीं। अब करना यदि शेष है तो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बोलो। अज्ञानी है ना, ऐसा कह दिए, ठीक है? हाँ, इसलिए क्या? अस्ति चेत न स तत्वविद, अस्ति चेत न स तत्वविद। यदि कर्तव्य आपको यदि शेष रहा तो समझ लो कि वो क्या है, वो ज्ञानी नहीं हो, ठीक है भाई? चलो अच्छा आगे बढ़ा जाए। अनयोः स्वरूपं विषयं च विवच्य दर्शयति, देखो। हाँ जी, क्या? चिदाभास विशेष को अहंकार आपने बताया, चिदाभास विशिष्ट को। हाँ, तो ये विशेष क्या मतलब, ईश्वर को कहा है क्या जी? विशेष क्या है? विशेषण। अच्छा हाँ, विशेष मतलब यहाँ पर क्या विशेषण? धर्म ले लो, धर्म ना, चिदाभास धर्म से विशिष्ट युक्त, विशिष्ट करते क्या युक्त होता है? हाँ, विशिष्ट करते यहाँ पर युक्त होता है, ठीक है? एक मिनट में कहा, हाँ 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 इंद्रिय 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 हाँ 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 भोक्तृत्व भोक्तृत्व बराबर, कर्तृत्व आदि, आदि से भोक्तृत्व भी हो जाएगा। हाँ,
अगर ये क्रिय सप्तमी हो तो मतलब जैसे यहाँ तो प्रथमा चतुर्थी वचन है क्रिय बाद में अकारा अंतर भय, तो इसलिए संधि नहीं हुआ ना। हाँ नहीं सही है। हाँ अगर सप्तमी होता संधि हो जाता ना। हाँ हाँ संधि हो जाएगी अगर सप्तमी होता। हाँ और सप्तमी यदि करेंगे तो प्रातिपदिक क्रिया नहीं होगी, प्रातिपदिक क्रिया हो जाएगा फिर। अरे भी नहीं नहीं संधि हो जाएगी ना, तब प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी ना फिर। क्या द्विवचन होने से तब ना प्रक्रिया संज्ञा होगी, सप्तमी कर दो तो फिर प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, संधि हो जाएगी। और सप्तमी यदि करोगे क्रिया को तो प्रातिपदिक क्या होगा, क्रिया होगा कि क्रिया होगा? क्रिया होगा ना। ये सब चलो आगे चलो। यहाँ प्रातिपदिक क्रिया है, जैसे रमा का रमे, रमा रमे, क्रिया क्रिय। आगे चले। अच्छा अब सुनो भाई, अनयोः स्वरूपम विषयम च विविच्य दर्शयति। है देखो भैया, ये दोनों के स्वरूप को बतला रहे हैं, है ना? और किसको बतला रहे हैं? विषय को बता रहे हैं, है ना? हाँ, इसलिए विवेक करके विभाग करके दर्शयति दिखा रहे हैं। देखो कैसे दिखा रहे हैं, ये समझ लो। देखो बड़ा सुंदर है। दो प्रकार के वृत्ति कही, दो प्रकार के वृत्ति क्या है? अंतर्वृत्ति बहिर्वृत्ति। इसको समझना पड़ता है, समझेंगे तब तो छोड़ोगे। ये क्या चीज़ है, किसका धर्म है ना? इसका विषय क्या है, ये सब समझना पड़ता है। देखो अंतर्मुखा हमित्येषा वृत्ति कर्तारमुल्लिखेत बहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्वेदमुल्लिखे बाह्यं दमुल्लिखेत बाह्यं वस्तुई दमुल्लिखेत। ठीक है, हाँ उच्चारण करना पड़ता है। बाह्यम है ना, ह पहले है य बाद में बाह्य कि नहीं? बाह्य में हकार का स्थान क्या है, उच्चारण कर बताओ व्याकरण पढ़ने वाले, बोलो। बाह्यम में हकार का स्थान क्या है, उच्चारण का स्थान कहाँ पर उच्चारण होता है हकार का? अंतस्थ, हकार अंतस्थ होता है। हैं जानते हो नहीं जानते हो? ब्रह्मा, ब्रह्म में हकार का स्थान क्या है, कहाँ पर उच्चारण होता है? बोलिए। उरा है, कंठ नहीं, उरा ये है, छाती में होता है। होगा तो मुख से ही, लेकिन इसमें किसका है सहायक कौन है, ये पर छाती होता है। ब्रह्मा देखो यहाँ पर लग रहा है कि नहीं प्राण? ब्रह्मा। इसी कार यहाँ पर क्या है, बाह्य, बाह्य है कि नहीं? ठीक है तो महाप्राण है। बाह्य, बाह्यम कह दिया ना यहाँ पर। बाह्यम में कितने कितने वर्ण हैं कोई बोल सकते हैं? मुँह को अनुसार हुआ है कि नहीं? तो बाह्यम में जो है महाप्राण कितने हैं? महाप्राण नहीं जानते हो? दो है, दो है क्या, कहाँ कहाँ है? अब कैसे भाई व्याकरण सब पढ़ते हो? कौन सा वर्ण का उच्चारण महाप्राण होता है, कौन सा वर्ण का उच्चारण अल्प प्राण होता है मालूम होना चाहिए ना? पहले 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 पहले
हाँ संधि से पहले संज्ञा प्रकरण में इतना मालूम होना चाहिए। सुनो, महाप्राण किसका होता है? इधर सुनो, महाप्राण किसका होता है? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थु सलश्च महाप्राणा, आया व्याकरण में, लघु में, ये सब लघु की बात है। ये वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थु सलश्च महाप्राण, द्वितीय कौन होता है? वर्गों में द्वितीय वर्ण कौन है बोलो? पांच वर्ग होते हैं, पांच वर्गों में द्वितीय वर्ण कौन है बोलो? पूरा पांच बोलिए। ख फ छ ठ थ, ये हो गया द्वितीय, हो गया चतुर्थ क्या है? घ झ ढ ध भ, पांच पांच दस हो गए। और सल कहने से स ष ह, चार वर्ण, पांच पांच दस चार चौदह, चौदह वर्ण का उच्चारण महाप्राण होता है, उसमें प्राण ज़्यादा लगता है। क्या प्राण उसमें ज़्यादा ज़्यादा शक्ति लगेगी? जैसे कहते हैं ब्रह्मा, इसमें महाप्राण कितने हैं? ह केवल एक ही है, ब्रह्मा। म तो अल्प प्राण है, लेकिन ह महाप्राण होता है। बाकी जितने भी है सब, ये चौदह को छोड़ करके जितने भी वर्ण होंगे, सबका उच्चारण में प्राण कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा, उसको कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? चौदह का प्राण महाप्राण, अधिक प्राण लगेगा, बाकी का कम प्राण लगता है। ये अंतर समझ के रख लो, थोड़ा जो है ध्यान से उच्चारण करोगे ना, पकड़ में आता है। ये भी उच्चारण करना भी एक प्रकार से ध्यान है। क्या कि मेरा मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूँ, शुद्ध है कि अशुद्ध है? उच्चारण करते समय थोड़ा ध्यान रखोगे ना, तो यही ध्यान हो गया। इसलिए ध्यान जो करेगा, जितना शुद्ध उच्चारण करोगे उतना ध्यान होगा, मन एकाग्र होता है, ऐसा में कि नहीं? और मन एकाग्र होने पर शुद्ध उच्चारण भी होगा, मैं कैसा उच्चारण कर रहा हूँ, ध्यान रहेगा ना कि मैं अल्पप्राण बोल रहा हूँ कि महाप्राण बोल रहा हूँ। नहीं तो वृद्धावस्था में बोलते जाओगे। जैसे कोई के पढ़े लिखे लोग भी गुरु वे नमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे यहाँ बिल्डिंग है ना, अभी जो नया मकान हुआ तो उद्घाटन हुआ उद्घाटन हुआ तो कैलाश वाले महाराज श्री जी आए थे, वो जो फीता काट ही रहे हैं, उस वह जो पंडित आया था, एक आचार्य पूजा कराने वाला, हमारे आश्रम की बात कह रहा हूँ, वो गुरु वे नमा बोल दिया महाराज जी बोले कैसे आचार्य हो तुम, गुरावे नमा बोलो बात सही कहे उसने, भाई आचार्य हो, पूजा करा रहे हो और इतना बड़ा कार्यक्रम है, अब बोल रहे गुरुवे नमा क्या है गुरुवे नमा कि गुरावे नमा? ये तो सामान्य है ना, ये इतना ये गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है। चलो, ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, जितना हो सके शुद्ध बोलना चाहिए। चलिए, अंतर्मुखा अहम इतिशा प्रत्यय, देखो है ना, अंतर्मुख जो है ना, देखो अहम इस प्रकार के जो वृत्ति है, वृत्ति बोलते हैं अंतःकरण के परिणाम को कहते हैं वृत्ति, अंतःकरण के परिणाम विशेष को क्या बोलते हैं? वृत्ति है ना, ये सब सारी वृत्तियां अंतःकरण की होती है, सुनते हो? और कहीं कहीं अविद्या की वृत्ति भी होती है, क्या समझ? अविद्या वृत्ति भी कहीं कहीं होती है, सुनते हो? जैसे सुनो, बताता हूँ, बोलता आयाम सर्प, क्या कह दिया? आयाम सर्प, ठीक है। तो देखो अयम अयम, यह ले लो हिंदी में, ले लो यह सर्प, तो यह इस प्रकार की जो वृत्ति हो रही है, ये अंतकरण की है कि अविद्या की है? बोलो, यह करके जो वृत्ति हो रही है, ये अविद्या है कि अविद्या की है कि अंतकरण की है? कौन बोल सकते हैं? अंतकरण की है, नहीं नहीं अंतकरण की है, यह जो बोल रहे हो आप, ये अंतकरण की है, क्योंकि चक्षु का संबंध रस्सी के साथ है कि नहीं, रस्सी का सामान्य के साथ है कि नहीं,
चक्षु का संबंध है कि नहीं रसी के साथ सामान्य, इसलिए यह ये कौन सी वृत्ति है? अंतकरण की वृत्ति है। और सर्प अंश में अविद्या की वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति नहीं है वो। बात समझ में आई? मन की वृत्ति तब होगी जब चक्षु के साथ, चक्षु के द्वारा मन का संबंध जाए तो वहाँ पर। सर्प है क्या रस्सी में? रस्सी में सर्प है नहीं है वो, वो अनिर्वचनीय मानते है ही नहीं वो सर्प। सर्प जब है ही नहीं तो चक्षु का संबंध कैसे बनेगा? सर्प यदि हो तब तो चक्षु का संबंध बनेगा, भले ही दिखता हो चक्षु से। चक्षु से दिखता का मतलब चक्षु से यह इदम कार वृत्ति होती है, चक्षु के द्वारा मन का संबंध होता है अधिष्ठान के लिए। आप समझे? ये अंतकरण वृत्ति और अविद्या की वृत्ति पकड़ में रखो, अंतकरण की वृत्ति और अविद्या की वृत्ति समझ करके रखनी चाहिए वेदांत में। सुनते हो? इसी प्रकार स्वप्न में जो भी हो रही वो तो अंतकरण की वृत्ति है नहीं, और लेकिन जो सुषुप्ति में जाते हो, सुषुप्ति जो अवस्था होती है वहाँ पर जो भी वृत्ति हो रही है वो अंतकरण की वृत्ति नहीं है। वो कौन सी वृत्ति हो रही है वहाँ पर? हाँ, क्योंकि वहाँ पर मन का व्यापार नहीं हो रहा ना। यदि सुषुप्ति अवस्था में यदि मन का व्यापार हो जाएगा, नहीं वो तो यदि मन का व्यापार हो जाएगा तो क्या होगा? आपको यदि अच्छा नहीं लगेगा, आप थक वहाँ पर भी थक जाओगे। सुषुप्ति में कोई थकता है? सुषुप्ति में कोई थकता है? नहीं थकता है। सपना में थकता है? सपना में थकता है, लेकिन बढ़िया सुंदर सपना देखोगे तो नहीं थकोगे? बढ़िया सुंदर सपना देखोगे तो थकोगे नहीं थकोगे? हाँ, ये सिद्धांत है, ये समझ के रख लो। चाहे कैसी भी वृत्ति हो अंतकरण में, थकावट तो होगी ही होगी नारायण, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। वृत्ति होने मात्र से, वृत्ति होना ही थकावट है, ये समझ लो। भले ही थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता हो, अरे क्या सुनते हो? हाँ, इसी प्रकार जागृत में भी ऐसा ही है। जागृत में हाँ, जैसे भजन करते हो करते हो करते, अरे कितने टाइम तक भजन करोगे? अब रहने दो, बोलते पहले तो शुरू में अच्छा लगेगा आपको, भजन सुनते हो ना, पहले तो अच्छा लगेगा एक दो घंटा, उसके बाद कब तक करो, कब तक भजन सुनोगे? फिर घड़ी की तरफ देखोगे, फिर आप थकावट हो जाती है। कहाँ कहाँ से उठोगे? यही तो कह रहा हूँ, इसलिए वहाँ पर अंतकरण की वृत्ति नहीं होती है सुषुप्ति में, इसलिए थकावट नहीं। स्वप्न पकड़ लो, स्वप्न में ही थक जाता है, उड़ने के बाद क्या है? स्वप्न ही थक जाता है स्वप्न में। अरे थकता है इसलिए तो सुषुप्ति में जाता है भाई, थकता है इसलिए सुषुप्ति में जाता है। ये चलो, ये कहने का अभिप्राय, दो प्रकार वृत्ति है, एक अंतकरण की वृत्ति और एक अविद्या की वृत्ति। समझ में आ गया नहीं? लेकिन ये यहाँ पर अभी जो कह रहे हैं अंतकरण की वृत्ति को लेकर कह रहे हैं, तो अंतर्मुखा अहम इत्येषा वृत्ति ही, अहम इस प्रकार जो वृत्ति होती है अंतकरण की, है ना, ये किसको विषय करती है? कर्तारम उल्लिखित, कर्ता जो जीव है, चिदाभास है, समझ में कि नहीं, उसको विषय करती है ये अहम इस प्रकार की जो वृत्ति है। इतना है समझ में? अहम इस प्रकार की वृत्ति हाँ, ये किसका है? ये धर्म अंतक, इतना समझ में आया? स्वरूप बता रहे ना, ये अंतकरण का धर्म है ये, मतलब किसका नहीं हुआ? शुद्ध चेतन का धर्म ये नहीं है, इतना पढ़ रखो साथ ही साथ। और ये किसको विषय करती है? भले कर्तारम, कर्ता को विषय करती है। कर्ता कौन है यहाँ पर? चिदाभास ले लो, विशिष्ट चेतन ले लो, उसको विषय करती, शुद्ध चेतन का विषय नहीं करती। आया समझ में? अच्छा, बहिर्मुखा इदम इत्येषा बाह्यम वस्तु इदम उल्लेखित, और बहिर्मुखा देखो हैं, बहिर्मुखा एक वृत्ति होती है,
जैसे कह दिया यह, यह कहने से क्या है, यह घट है, पट है, मठ है, रूप है, रस है, ये जो वृत्ति होती है एक, इसको कौन से कहेंगे, बाह्य वृत्ति। क्या कहेंगे? तो बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति भी किसका धर्म होगा? जैसे अंतर्वृत्ति भी अंतकण का है, बाह्य वृत्ति भी मतलब किसका नहीं धर्म हुआ? शुद्ध चेतन का धर्म ये नहीं है, इतना समझ लो। लेकिन किसको विषय करिए, बोलते हैं बाह्यम, बाह्यम वस्तु इदम उल्लेखित, इतना आया समझ में? कोई भी वृत्ति हो, अंतर्वृत्ति बाह्य वृत्ति ये सब अंतकण की होती है, शुद्ध चेतन के नहीं होती है। अंतकण के वृत्ति का विषय, अंतर्वृत्ति का विषय हो गया कौन? कर्ता, अहम करके, और इदम करके जो वृत्ति हो रही हो इसका विषय हो गया बाहर, जड़ ले लो। एक हो गया चेतन, कर्ता कहने से क्या, बार चिदाभास रूपी चेतन, अहम, इस प्रकार वृत्ति का विषय हो गया कौन? चिदाभास चेतन, शुद्ध चेतन नहीं, चिदाभास रूपी चेतन, विशिष्ट चेतन हो गया। इतना है सच में? हाँ, हो गया कि नहीं? इस प्रकार समझेंगे तब तो ये अध्यास जाएगा, बिना समझे अध्यास नहीं जाएगा। इसलिए व्यवहार करते समय इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो अध्यास हटेगा। हम व्यवहार के समय चेत क्या बोलते, सचेत नहीं होते हैं, इसलिए अध्यास हो जाता है कि नारायण? चलिए, इसका इसकी थोड़ी वृत्ति है, ये टीका है। बहिर्वृत्ते स्वरूप अभिनय अवशिष्टेन विषय, इसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वर।